बड़ी खबर हो रही है जनपद से सामने आ रही है। धरती के भगवान का अनोखा कारनामा आया सामने। एक्सपायरी दवा यूज कर रहा था दंत डॉक्टर, मां के दांत का इलाज कराने साथ गई बेटी ने ये देख बुलाई मीडिया। डॉक्टर ने एक्सपायरी दवा यूज के संबंध में दिया गैर जिम्मेदाराना बयान। और यह सदर तहसील के देव डेंटल क्लिनिक मुसिफ कोट के पास का मामला। सर क्या मामला है जो आज यहाँ पर आए हैं? पीड़िता शिकायत की है कि एक्सपायरी से इलाज नहीं चल रहा है। माता जी के दांत का इलाज चल रहा था, जिसके अंतर्गत आरसीटी की जांच कार्य हो रहा था। आरसीटी की जांच में जो सील करी जाती है, यानी कि चीज को बंद किया जाता है, वो सीलर यूज होता है। और यहाँ जो जो आपकी जानकारी दी गई है कि जो सीलर था वो एक्सपायर था 2020 का, उनसे एक अप्लीकेशन ले ली गई है और नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। इसके बेटर हमने इसका सील काट के ले लिया है जो सीलर था, उनको ये फॉरवर्ड कर दी गई है एप्लीकेशन और नियमानुसार कार्रवाई करी। ऐसे कितने अस्पताल हैं और ये जनपद में जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की ढिलाई गड़ाड़ ऐसा हो रहा है, क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं नहीं, हमारे नोडल जो अधिकारी हैं वो नियमित रूप से भ्रमण करते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि पिछले हफ्ते भी कई अस्पतालों फकून रोड पे, इधर बेला गिदरा में, जहाँ भी इस तरह की सूचना प्राप्त होती है या वो अपने भ्रमण पर निकलते हैं तो आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाती है, नोटिस दिया जाता है और कई अस्पतालों को सील भी किया गया। सर पता लग रहा है ये डॉक्टर साहब कोई सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, जानकारी हमें भी प्राप्त हुई है कि आउटसोर्सिंग पे कोविड एचआर के लिए लगाए गए थे वहाँ पे आयाना सीसी पे, और ये आउटसोर्सिंग से लगे हुए थे, नियमित नहीं है हमारे। जी अभी हम 2 घंटे पहले यहाँ पर आए थे और हम यहाँ पर नए हैं, हम बिलोंग टू महाराष्ट्र से करते हैं। मेरे मम्मी के दांतों में परेशानी चालू हो गई थी 15 दिन पहले, तो हम इनसे ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो मेरा रोज तो ध्यान नहीं रहता है। आज मैं मम्मा के साथ आई हुई हूँ यहाँ पर और मैं वहीं खड़ी थी जहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, तो मैंने देखा कि ये जो यूज कर रहे हैं मटेरियल वो दो साल पहले एक्सपायर हो चुका है। मैंने ये खबर किसी को भी नहीं दी, मम्मा को भी नहीं दी, किसी को भी नहीं दी। और आप लोगों से मैंने थोड़ी बोली, जानकारी ली, उसके बाद मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये आगे से किसी और के साथ ना हो। क्या अभी आप यहाँ आई तो क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ है? मैं यहाँ पर आई तो मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट अंदर चालू था, तो मैंने देखा कि वो वॉक वहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसमें जो एक्सपायरी डेट है वो 2 साल पहले खत्म हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर जो सामान यूज किया जा रहा है वो खराब यूज किया जा रहा है। आपने डॉक्टर साहब संपर्क किया, डॉक्टर साहब ने क्या कहा आपसे? मैंने उन्हें बताया ही नहीं, क्योंकि मैं और मम्मा अकेले थे यहाँ पे, हम अपने जान के ऊपर कोई खतरा नहीं ले जाना देना नहीं चाहते थे, इस वजह से मैंने ये सही नहीं समझा। और मैंने गूगल पे पत्रकार जी का नंबर सर्च किया और उससे मैंने ये नंबर निकाला और आप सभी को इन्फॉर्म करके यहाँ बुलाया था। ये गलत है यहाँ पे, बहुत दिनों से हो रहा होगा, लेकिन मुझे लगा आज ये फैसला करना सही होगा। एक डॉक्टर की वजह से 4 डॉक्टर के दिमाग खुलेंगे, इस वजह से मैंने ये कदम उठाया है। धन्यवाद। हमारी 2 क्लिनिक है, तो 2 क्लिनिक में क्या होता है कि जैसे हमें कोई डिबिया खरीद लाए तो आधा काम वहाँ हो रहा है आधा यहाँ हो रहा है, तो उसका सामान उसके अंदर रख लेते हैं, उसका सामान उसके अंदर, तो ये क्या, ये वो जो एक बाहर रैपर सा होता है वो देख रही है, अंदर जो दवाई है वो नहीं देख रही है, तो इसलिए इनको कन्फ्यूजन है और कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब ये आपको क्या किस किस नाम से हॉस्पिटल लगता है? हॉस्पिटल किस नाम से, किस जगह है ये आपका? स्टेशन आपका है? अच्छा, आपका भी डिग्री आपके पास है पूरी? हाँ। किस नाम डिग्री है? डिग्री पूरी आपकी? हाँ। सर क्या हुआ यहाँ पर बताया तो आपको, यही हुआ, महिलाओं ने आरोप लगाया है, इन्होंने क्या करा, सब एकदम से फोन ऑन करने लगे और मीडिया आ गई, हमको बताया नहीं इन्होंने क्या प्रॉब्लम इनकी, क्या दवाई मैम बता रहे, दवाई खड़वाएंगे तो हमने कहा 500 रुपए लगेंगे दांत खड़ने के, तो ये कहने लगे नहीं हम 100 देंगे, तो हमने कहा भैया हमारे यहाँ 500 लगते, 100 नहीं लगते हैं, तो ये बात नहीं, नहीं आपने कहा ये बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी, हाँ तो सन की बात सुनो हुई थी, डॉक्टर साहब 2 साल पहले तो इन्होंने कहा कि नहीं मतलब हमें खुलवाना था, मैं तो बुलाओ, अब इन्होंने मीडिया बुला लिया बस। अच्छा वो दवाई मुझे दिखा सकते हैं जैसे वो हॉस्पिटल? आप क्या समस्या हुई आपको? मेरा दांत दर्द कर रहा था तो मैं डॉक्टर साहब के पास में आई, डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, मैंने बोला कि मेरा दांत का दर्द है तो मैंने बोली क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर बोले कि आप रूट कैनाल करा लो, मैंने बोला चलो रूट कैनाल करा लेते, तो 2 बार मैं इससे पहले आ गई हूँ, आज का 3रा बार था, मेरी बेटी साथ में आई, मुझे मालूम नहीं था मैं रूट कैनाल मेरा होगा, तो बेटी ने देखा कि दवाइयाँ तो एक्सपायर मसाला भरा हुआ जा रहा है, फिर उसने आप लोगों को बुलाया। ये कौन सा अस्पताल है? ये अतेंद्र कटियार।
सत्येंद्र कटिहार का अस्पताल है। किसका ये अस्पताल है? बनारसी दास।